मैं तो हर रोज की वीडियो बनाऊंगा भाई, अपना कोई ऐसा नहीं है, डेली व्लॉग ही समझ लो, जो भी समझना है समझ लो। मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे इसको आप व्लॉग समझ लो, चाहे आप उसको डेली व्लॉग समझ लो, डेली वीडियो समझ लो, जो भी समझना है। सब्सक्राइब कर लीजिए दिपेन भाई का चैनल ट्रकिंग टेल्स के नाम से। पर मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ उनको, तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ आपको नहीं नहीं भाई, सार्थक भाई ने बोल दिया भाई, सब्सक्राइब करने का मतलब करने का। यार 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है ना, फिर घर से निकलने का बड़ा वो होता है यार, मन ही नहीं करता घर से निकलने का। पर क्या है भाई, काम है तो जाना तो पड़ेगा ही काम पे। एनीवेज आज रात को निकलना है हमें, और अभी 9:30 बजे, तो लगभग 11 बजे के आसपास निकलना है मुझे यहाँ से। 45-50 मिनट्स लगते हैं जाने में, और सार्थक आ गया होगा वहाँ पे, तो बस मैं घर से निकला हूँ अभी। एंड फिर मुझे जाके बस बंक में जाना है, सार्थक नाइट शिफ्ट करेगा और मैं सुबह 5-5:30 बजे शुरू करूँगा अपनी शिफ्ट। गुजराती में उसको बोलते हैं कोगड़ियू आवाज, ऐसा हो रहा है मुझे अभी, कोगड़ियू आवाज है भाई मन। तो एनीवेज भाई चलो, काम तो है, जाना तो पड़ेगा भाई। गुड मॉर्निंग भाई लोग, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया भाई, चलो ठीक ही होने चाहिए। कल रात तो मैं आके सो गया था, सार्थक भाई ने बॉर्डर क्रॉस करके 1.5-2 घंटा जितना ड्राइव करा, और फिर आज सीन क्या हुआ पता भाई, 5:30 बजे के आसपास उन्होंने मुझे उठाया। मैं उठा, मैं ऐसा ना दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो गया कि अच्छा हम यहाँ पे हैं, 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, इतना टाइम है ये वो। और सार्थक भाई को बोला भाई 1 घंटा और सो लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। सार्थक भाई ने ट्रक बंद करा, ऊपर वो सो गए, नीचे मैं सो गया भाई। 1 का 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं लगेगा, और पता ही नहीं लगा। एंड बस अभी हम पायलट में वॉशरूम हो के फ्रेश अप हो के चाय लिए और नाश्ता भी कर लिया, बस अब सीधा यहाँ से निकलूँगा। और मैं ना मैरियन इलिनॉय जाना है हमें, तो वहाँ पे अभी तो दिखा रहा है कि 2:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे, बट मुझे लग रहा है 3-3:15 तो हो ही जाएंगे वहाँ पे मौसम। तो बस यही सीन है भाई, मैरियन इलिनॉय जाना है पिकअप करने के लिए। तो यहाँ से निकलते हैं फटाफट, जैसे ही हमारे सार्थक भाई रेडी हो जाएंगे बोलेंगे ग्रीन लाइट निकलो, फिर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से भाई। चलो चलो भाई, पायलट पायलट पायलट। लोग फ्यूल के लिए लाइन में लगे हुए भाई।
बैकअप वाली वीडियो डाली हुई है वो वहीं से डाली हुई है, ग्रीन कलर की टी शर्ट थी, अभी याद है। और फाइनली भाई टीए के ट्रक स्टॉप में आए हम, थोड़ी कमर भी सीधी हो जाएगी, वॉशरूम भी यूज़ कर लेंगे। और सामने दिख रहा है मुझे डंकिन डोनट्स, तो आई गेस चाय तो बनती है राइट। आपको पता है जब डंकिन डोनट्स पे रुकता हूँ तो एक चाय तो लेनी बनती है वहाँ पे। उनकी चाय टी, उनकी जो चाय टी नहीं, जो चाय लाटे आती है वो बढ़िया होती है भाई, मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे हम काफ़ी बार रुके हुए ये वाले ट्रक स्टॉप पे, जो कि यहाँ पे टीए है सामने, वहाँ पे पीछे फ्लाइंग जे है, ये टीए के पीछे वॉलमार्ट है, तो ये साला बिजी है, अच्छा है, बट जो भी है वो अच्छा है। तो मैं जो जब जब ये हेड वाला स्ट्रैप डालता हूँ ना तो बाल पूरे ख़राब हो जाते हैं भाई, बट पहले वॉशरूम उसके बाद अपना चाय। यहाँ पे पीछे टाको बेल है, चिपोटले है, बहुत कुछ है भाई यहाँ पे, पॉपोइज है, डंकिन डोनट्स है, काफ़ी अच्छा बढ़िया वाला स्टॉप है ये। पॉपोइज है और क्या है, कुछ और भी है, पर ये मैंने पहली बार देखा, मुझे पता है नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई पिज़्ज़ा स्टोर तो है, न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा करके कुछ है, हमारा तो फिक्स है भाई, हम तो जाएंगे सीधा डंकिन डोनट्स और लेंगे चाय। हाय, कैन आई गेट स्मॉल चाय लाटे प्लीज, हॉट? ओके, एनीथिंग एल्स? दैट्स इट। थैंक यू। आ गई भाई हमारी चाय, डंकिन डोनट्स। और आई हैव पास्ता एज वेल, पास्ता भी खा सकते हैं, बट चाय और पास्ता मज़ा नहीं आएगा, कुछ कुछ हटके निकालेंगे। ज़्यादातर है ना भाई बाहर से कॉफ़ी और चाय का ही खर्चा होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ वो भी नहीं होना चाहिए, बट अभी क्या करें ना कि मैं पता नहीं, मुझे कॉफ़ी बाहर की अच्छी लगती है तो कॉफ़ी मैं बाहर से लेता हूँ। बाकी एक जो हमारे पार्टनर थे, जो लास्ट वीडियो में आपको को दिखाई दिया था, मैं जो गुजराती बंदे की बात कर रहा था ना, वो बंदा मेरे लिए एक चीज़ लाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि अभी मुझे मिली नहीं है वो चीज़, तो वो जब आ जाएगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो क्या है। उसमें वो चाय लेकर आया है बेसिकली, और वो है इंस्टेंट चाय, तो बॉयल वाटर आप क्या कर सकते हो, बॉयल वाटर में उसको डालना होता है बस, और अगर आपको थोड़ी मीठी चाहिए तो शुगर डाल दो, तो वो बन जाती है अपनी चाय, और वो लिटरली लाइक जो अपना टेस्ट होता है वही होती है। तो वैसे तो वो कल रात को मुझे देने वाला था, बट उसका फ़ोन बहुत लेट आया और फिर मैं सो गया था, तो पता नहीं उसने एक्सचेंज करा या नहीं करा, बट सार्थक भाई उठेंगे तो मैं पूछ लूँगा उनको कि उनको दिया है कि नहीं दिया है। पर एनीवेज वो मैं आपको दिखाऊंगा कि चाय क्या होती है, तो वो भी खर्चा अपना बच जाएगा अगर वो अच्छा होगा तो, बट फॉर नाउ ये। और खाना तो भाई पहले से ही बहुत महंगा पड़ता ही है बाहर से, तो ट्राई करते हैं कि घर का ही लेकर आए। तो हमारे सार्थक भाई को भी चाय का चस्का लग गया तो वो उठ गए थे, तो वो भी चाय लेने गए। चलो भाई सार्थक भाई आ गए,
हम हैं इलिनॉय। आगे इलिनॉय। खींच के ही रखना है भाई, गुरुजी ने बताया हुआ है। गुरुजी ने हमारे बताया हुआ है कि भाई खींच के रखो, माँ की अखियाँ जो भी हो जाए। आज के दिन का भाई अपना स्केड्यूल डन। अब सार्थक भाई टेक ओवर कर रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ गया अपना मैरिन इलिनॉय, एंड सेम बिल्डिंग में से चार पिकअप थे। तो एक डॉग पे लगाया और वहाँ से दो पिकअप करे, और अब दूसरे डॉग पे लगाया तो यहाँ से दो पिकअप है सेम बिल्डिंग में ही, बट सिर्फ डॉग चेंज करने होते हैं। तो बस ये दो पिकअप करके फिर हम यत्रापिंडी यहाँ से निकल जाएंगे भाई। और दूसरी चीज़ क्या है कि हाँ, अब खाना है भाई, भूख लगी है मुझे बहुत ज़ोरों की, तो मैं अब खाना वाना गर्म करता हूँ। सोच रहा हूँ कि मस्त चीज़ लाया हूँ, खिचड़ी लाया हूँ और भी दो तीन चीज़ है, बट आज मन कर रहा है खिचड़ी खाने का। तो बस अब खाना गर्म कर रहा हूँ, और तब तक अपने भाई इंस्पेक्शन कर रहे हैं ट्रक एंड ट्रेलर का, और डॉक पे भी है तो सामान भी लोड हो रहा है। तो बाय द टाइम सामान लोड हो जाएगा, सार्थक भाई अपना इंस्पेक्शन ख़त्म कर लेंगे और वो सारा डन हो जाएगा, फिर हम यहाँ से वापस कैनेडा। तो बस एक स्टॉप, मतलब इसको एक ही स्टॉप बोल सकते हो, तीन चार स्टॉप से नहीं कह सकते, क्योंकि सेम लोकेशन पे ही हम एक ही बिल्डिंग में हैं, और 15 मिनट हुई आए। तो जैसे आए सीधे उन्होंने बोल दिया ये डॉग पे लगा लो, और फटाफट 10 मिनट में उन्होंने लोड भी कर लिया, और बस ये दूसरे वाले स्टॉप में जो डॉग है वहाँ से भी फटाफट ही लोड हो जाएगा। तो बस यहाँ से सीधा फिर वुडस्टॉक, देखते हैं सार्थक भाई कहाँ तक ले जाते हैं। अब बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। मैं तो हर रोज़ की वीडियो बनाऊंगा भाई, अपना कोई ऐसा नहीं है, डेली व्लॉग ही समझ लो, जो भी समझना है समझ लो। मैं मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे इसको आप व्लॉग समझ लो, चाहे आप उसको डेली व्लॉग समझ लो, डेली वीडियो समझ लो, जो भी समझना है समझ लो। बट हाँ, जो है वो है, मैं जैसे जो भी यहाँ पे करता हूँ या जो भी आपको मैं देखता हूँ वो आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, एंड शेयर भी कर देना अगर कोई ट्रैकिंग रिलेटेड आपका कोई दोस्त है या फैमिली मेम्बर या जो भी, इनको शेयर कर दो। और दूसरी चीज़ है कि सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को अभी तक नहीं करा है तो, और सार्थक भाई को भी बोल देते हैं, सार्थक भाई आप भी बता दो भाई सब्सक्राइबर को क्या करना है। सब्सक्राइब कर लीजिए दिपेन भाई का चैनल ट्रकिंग टेल्स के नाम से। पर मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ उनको, तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ आपको। नहीं नहीं भाई, सार्थक भाई ने बोल दिया भाई, सब्सक्राइब करने का मतलब करने का। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय भाई।